Hello students, welcome back. Students, today we will be understanding that how a question of partnership chapter fundamentals is generally solved. बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, this is the same old trial balance जो आपने class 11 में पढ़ा था. Plus हम लोग ने अपनी starting की videos में इस trial balance को discuss करते हुए इसका trading account and profit and loss account भी बनाया था. So called answers भी आप सब ने मेरे को WhatsApp किए थे. तो बच्चों मैं एक बार तेज़ी से ट्रायल बैलेंस ज़रा रीड कर लेता हूँ ताकि अगर सो कॉल्ड किसी को विजुअल्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो तो एटलीस्ट वो देख के समझ लेगा. बच्चों सबसे पहले हमारे पास एक्स का ड्राइंग एंड कैपिटल है. जैसा कि बच्चों आप जानते हैं ट्रायल बैलेंस का कॉन्सेप्ट सेम है लाइक इट वॉज इन क्लास 11. ये जो अमाउंट आपको 30,000 का नज़र आ रहा है ये ड्राॅइंग्स का है और ये जो अमाउंट नज़र आ रहा है वो कैपिटल है. सिमिलरली बच्चों हमारे पास वाई का ड्राॅइंग्स है एज वेल एज कैपिटल. ये जो वैल्यू आपको नज़र आ रही है 30,000 रुपीज़ की, ये वाई का ड्राॅइंग्स है एंड 2 लाख वाई की कैपिटल है. बच्चों क्योंकि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पे कम से कम दो पार्टनर्स तो होंगे ही होंगे. देयर आफ्टर प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बच्चों आपको नज़र आ रही होगी. देयर आफ्टर आपको ओपनिंग स्टॉक बच्चों नज़र आ रहा होगा फॉलोड बाय सेल्स परचेजेस वेजेस एडवर्टाइजिंग डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट बच्चों ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो ये सिर्फ पीएल में जाएगा. इट इज़ नॉट एन एडजस्टमेंट इन दिस क्वेश्चन. बच्चों फिर क्रेडिटर्स है followed by debtors, we have bills payable, next is bills receivable, bank balance है and cash balances हैं. Thereafter बच्चों इस trial balance के नीचे आपको additional information नज़र आएगी. बच्चों यहाँ पर additional information में मैंने कुछ चीज़ें और add की हैं. Like last time जब आपने इसका trading PL बनाया था you had only closing stock, wages था वहाँ पर बच्चों outstanding, advertisement का prepaid था. आपने बच्चों इसका adjustment भी किया था और लगभग सब बच्चों ने ट्रेडिंग और पीएल का आंसर कैलकुलेट करके व्हाट्सएप पे भेजा था. बच्चों अब इसके बाद नई चीज़ आपको क्या पढ़नी है, इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप डीड. बच्चों ध्यान दीजिएगा, बी अटेंटिव. इन अकॉर्डेंस विद पार्टनरशिप डीड मतलब ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे पार्टनर्स ने बीच में अपने डीड बनाई है, अग्रीमेंट किया है. सो कॉल्ड डीड में क्या क्या लिखा है बच्चों एक बार देखते हैं. सैलरी ऑफ 500 पर मंथ इज अलाउड टू मिस्टर एक्स. बच्चों जो एक्स पार्टनर है उसको 500 रुपीस पर मंथ सैलरी है मतलब 12 मंथ्स की हो गई 6,000 रुपीस. कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट. हाँ बच्चों ये वही नेट प्रॉफिट है जो आपने पीएल अकाउंट से कैलकुलेट किया था. इज पेबल टू मिस्टर वाई, 10% कमीशन आपको मिस्टर वाई को देना है. फिर बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एट 10% पर एनम लिखा है. उनकी कैपिटल्स पे उनको 10% का इंटरेस्ट मिलेगा. बच्चों वही कैपिटल का अमाउंट है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है दैट इज़ रुपीज़ 3 लाख एंड 2 लाख. इसी कैपिटल के अमाउंट पे हम बच्चों कैलकुलेट करेंगे अपना 10% का इंटरेस्ट एज सच, ये जो हमने यहाँ पे लिखा है. अब बच्चों आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है. अभी हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ अप्रोप्रिएशन की कर रहे हैं. चार्ज की तरह इसको कैसे ट्रीट करना है, क्या है इसके प्रोविजन्स, अभी वो आगे की क्लासेस में होगा. फिर बच्चों उसके बाद आपको नज़र आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड एट 4%. बच्चों ध्यान दीजिएगा मैंने इसके आगे पर एनम नहीं लिखा क्योंकि पर एनम लिखने का मीनिंग कुछ और बन जाएगा. अभी हम इसको सिंपल रख रहे हैं. हम जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन पढ़ेंगे अलग अलग केसेस में देन आई विल टेल यू कि पर एनम लिखने से और ना लिखने से क्या फ़र्क आएगा. अब बच्चों ड्रॉइंग्स का अमाउंट आपके ट्रायल बैलेंस में आपको नज़र आ रहा था. एक्स की ड्रॉइंग्स 30,000 रुपीज़ हैं और वाई की ड्राइंग्स 30,000 रुपीज़ हैं. बच्चों इसी ड्राइंग्स की अमाउंट पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपना ये जो इंटरेस्ट है 4% का. फिर बच्चों लिखा है प्रॉफिट्स एंड लॉस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:3. हाँ बच्चों अगर ये कुछ ना लिखा होता तो हम प्रॉफिट और लॉस को इक्वली ही बांट देते, 5:3 में शेयर ना करते. तो बच्चों डीड के प्रोविजन एक बार फिर से सुन लेते हैं. इफ़ द डीड इज साइलेंट, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इफ द डीड इज साइलेंट आप कोई भी इंटरेस्ट कैपिटल पे नहीं दोगे पार्टनर्स को, ना ही आप कोई सैलरी दोगे, ना ही आप कमीशन दोगे, ना ही आप उनकी ड्राॅइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करोगे एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज विल बी डिवाइडेड इक्वली एंड इफ द पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, माइंड इट, टू द फर्म. डीड साइलेंट अगर है तो हम सो कॉल्ड उसे 6% पर एनम के रेट पे इंटरेस्ट दे देंगे. बट बच्चों यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का जिक्र भी अभी नहीं है. तो बच्चों ये तीन चीज़ें तो आपको ऑलरेडी आती हैं,
क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस का आउटस्टैंडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड, हाउ दे आर टू बी एडजस्टेड, वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th एज वेल. और आपने बच्चों जो क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को भेजा था उस पर आप सब ने इसकी रिकॉर्डिंग भी की थी, और ट्रेडिंग का जीपी और नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएल वाज आल्सो कैलकुलेटेड करेक्टली. अब बच्चों जैसा कि हमें पता है कि हम पीएल के बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो बच्चों पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सो कॉल्ड इन सारे एडजस्टमेंट्स को ट्रीट करेंगे. हाउ दे आर टू बी ट्रीटेड, दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट. बट उसके पहले जैसे कि मैंने आपको फोकस किया था एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज के ऊपर, तो बच्चों अब हम इन सारे एडजस्टमेंट्स की एडजस्टिंग एंट्रीज भी करेंगे एंड क्लोजिंग भी करेंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द ओल्ड स्लाइड. वी ऑल आर वेरी वेल अवेयर विद दिस कि हम सबसे पहले अपने सीक्वेंस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मैन्युफैक्चरिंग के बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, देन वी प्रिपेयर पीएल. और ट्रेडिंग पीएल दोनों को जब आप बनाते हैं तो यू नीड विच टाइप ऑफ एंट्रीज, यस सही समझा आपने, क्लोजिंग एंट्रीज. एंड अब जब मैंने बात की कि हम पर्सनल अकाउंट्स भी बनाएंगे आफ्टर पीएल अप्रोप्रिएशन, तो बच्चों पर्सनल अकाउंट्स का जो बेसिक्स है दैट इज सो कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्री. तो बच्चों अब हम उन सारे ट्रांजैक्शंस जो आपने एज एन एडजस्टमेंट सो कॉल्ड देखे अपने ट्रायल बैलेंस के बाहर, दैट इज दीज मेनी, आपको इनमें एडजस्टिंग एंट्रीज भी करनी है और क्लोजिंग भी करनी है. बच्चों कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जिनकी क्लोजिंग या बेटर टू से ट्रांसफर एंट्रीज तो होंगी बट एडजस्टिंग एंट्रीज उनकी नहीं होंगी, क्योंकि वो ट्रांजैक्शंस नहीं बोले जाते, वो एक्चुअली इवेंट्स बोले जाते हैं, दैट इज द आउटकम ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी. बच्चों जल्दी से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं एडजस्टमेंट्स, देन वी प्रोसीड ऑन टू द जर्नल एंट्रीज. क्लोजिंग स्टॉक इज देयर, विच इज आउटस्टैंडिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड, सैलरी टू मिस्टर एक्स, कमीशन टू मिस्टर वाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट 4%. माइंडेड बच्चों यहां पे पर एनम नहीं लिखा है, इट हैज अ डिफरेंट मीनिंग. प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 5:3. सो स्टूडेंट्स नाउ वी आर ऑन टू द जर्नल एंट्रीज. बच्चों सबसे पहले आपने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट देखा, तो बच्चों इसकी जर्नल एंट्री बन गई क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग. बच्चों इसी एंट्री के अकॉर्डिंगली इन ट्रेडिंग अकाउंट वी राइट बाय क्लोजिंग स्टॉक. देन बच्चों आपने दूसरी एडजस्टमेंट देखी थी वेजेस आउटस्टैंडिंग की, सो द एंट्री इज वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग. एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल इट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, मॉडर्न रूल क्रेडिट द इंक्रीज इन लायबिलिटी. बच्चों इस एंट्री के अकॉर्डिंगली हमारा वेजेस आउटस्टैंडिंग एक तो वेजेस में ऐड हो जाएगा, और दूसरा इफेक्ट ये हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में नजर आएगा. देन बच्चों प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट की जर्नल एंट्री है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट. बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस जर्नल एंट्री एडवर्टाइजमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी एंड प्रीपेड ऑन द डेबिट एस्पेक्ट विल अपियर ऑन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. नेक्स्ट बच्चों अब बात आती है कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट जब आप बनाते हैं तो आप बेसिकली उसमें क्लोजिंग एंट्रीज कैसे लिखते हैं. तो बच्चों नेक्स्ट इन ट्रेडिंग अकाउंट वी आर गोइंग टू राइट ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड वेजेस. तो बच्चों उसकी बेसिक जर्नल एंट्री है, नाउ दिस इज द क्लोजिंग एंट्री, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस. एंड बच्चों सेल्स को ट्रांसफर करने की एंट्री है सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग. तो बच्चों इस एंट्री के अकॉर्डिंगली इन ट्रेडिंग अकाउंट वी राइट बाय सेल्स एंड अकॉर्डिंग टू दिस जर्नल एंट्री वी राइट टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस. देयर आफ्टर स्टूडेंट्स ये तो हमने अपने ट्रेडिंग अकाउंट की चीजों को रिकॉर्ड कर लिया. तो बच्चों एक बार फिर से देख लेते हैं, द फर्स्ट थ्री दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, वेजेस एंड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, दीज वर एडजस्टिंग एंट्रीज. ये दोनों ट्रेडिंग से रिलेटेड है एंड बच्चों ये पीएल से रिलेटेड है. आप सीक्वेंस बाद में भी कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट डिफरेंस एज सच. फिर बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में चीजों को पुट करने की दिस इज द क्लोजिंग एंट्री, सेल्स को क्लोज करने की एंट्री बच्चों ये है. अब बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट से जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में डिक्लेयर किया था या डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आप जीपी को लिखते हो और पीएल की क्रेडिट साइड में, तो जर्नल एंट्री इज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएल. देयर आफ्टर स्टूडेंट्स जब आप अपने पीएल में एडवर्टाइजिंग एंड डेप्रिसिएशन को पुट करेंगे तो बच्चों एंट्री हो जाएगी पीएल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजिंग टू डेप्रिसिएशन. अगेन बच्चों ये भी एक क्लोजिंग एंट्री ही है. बिकॉज स्टूडेंट्स अब हमारे पास सो कॉल्ड और कोई ट्रायल बैलेंस का आइटम बचा नहीं है, इसलिए हमने इसकी क्लोजिंग एंट्री में और किसी को लिखा नहीं.
अब बच्चों इसके बाद जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट देखा तो बच्चों उसकी भी जर्नल एंट्री होती है, पीएल अकाउंट डेबिट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पीएल अकाउंट डेबिट। ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होता तो टू पीएल अप्रोप्रिएशन की जगह वी कुड हैव रिटन टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज इन दैट केस ऑल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस विल गो टू द वन सिंगल ओनर, दैट इज सोल प्रोप्राइटर। बट नाउ students, the profit needs to be divided, so we will transfer it in a special account termed as profit and loss appropriation account. That's why bachcho the journal entry is profit and loss account debit to profit and loss appropriation account. To bachcho I hope so yahan tak aapko journal entries ekdam clear ho gayi hain. Ab hum start karenge अपने पार्टनरशिप से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को। पार्टनरशिप से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज अकॉर्डिंगली टू द डीड चलती हैं। डीड में जिन बातों पे हमने अग्रीमेंट किया है हम उन्हीं की जर्नल एंट्री पास करेंगे। सो स्टूडेंट्स बिफोर वी प्रोसीड फर्दर हैव अ ग्लांस लुक अगेन। क्लोजिंग एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज ट्रांसफर एंट्री को मैंने मार्क नहीं किया बिकॉज इट इज अ क्लोजिंग एंट्री। देन दीज टू फॉर वेजेस आउटस्टैंडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट प्रीपेड एडजस्टिंग। Then again these two are closing. Then again transfer of GP to profit and loss account is transfer entry. Then again bachcho this is the closing entry and again this is the transfer entry. Ab bachcho aage chalte hain. As per deed jaise hame pata hai we had salary, commission, interest on capital, interest on drawings and finally profits are to be shared. To bachcho ab ek ek karke hum in sari journal entries ko record karna seekhte hain. बच्चों सैलरी का अग्रीमेंट पहले था तो उसकी एंट्री हमने सबसे पहले कर ली, सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल, बिकॉज सैलरी वॉज टू बी गिवन ओनली टू मिस्टर एक्स, दैट्स वाई हम वाई को यहां पे नहीं लिख रहे हैं। वाई स्टूडेंट्स वी हैव डेबिटेड सैलरी, इट्स एन एक्सपेंस। वाई वी हैव क्रिएटेड एक्सेस कैपिटल, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एक्स इज नॉट गोइंग टू टेक दिस मनी टू हिज होम, रादर ये पैसा वो अपने बिजनेस में ही छोड़ देगा और उसका सैक्रिफाइस बढ़ेगा, तो बच्चों हमने इसलिए इसको क्रिएट कर दिया। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एंट्री आपको नजर आ रही है, दैट इज इसकी क्लोजिंग एंट्री, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। बच्चों आप एक एक एडजस्टिंग एंट्री करते जाएंगे एक एक ट्रीटमेंट की और साथ ही साथ उसकी क्लोजिंग करते जाएंगे। ऐसा मत करिएगा कि पहले एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर लें और फिर एक लाइन से दनादन क्लोजिंग एंट्रीज पास करें, दिस इज नॉट द गुड प्रैक्टिस। एडजस्टिंग एंट्री ऑफ एन आइटम एज पर डीड फॉलोड बाय इट्स क्लोजिंग एंट्री। तो बच्चों एंट्री है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। देयर आफ्टर स्टूडेंट्स कमीशन मिलना था मिस्टर वाई को, जर्नल एंट्री बनी कमीशन अकाउंट डेबिट टू वाईज कैपिटल। अब बच्चों कमीशन का परसेंटेज लिखा था 10% ऑन नेट प्रॉफिट, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट जो आया था दैट इज 379,000 का, इट्स 10% वर्क्स आउट टू बी 37,900 रुपीज। तो बच्चों कमीशन बीइंग एन एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया, and why again will not be taking this money to his home, rather he will keep it in the business itself. तो बच्चों हमने इसको क्रेडिट कर दिया क्योंकि उसका सैक्रिफाइस बढ़ रहा था। फिर बच्चों अगेन इसकी क्लोजिंग एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। देन वी हैड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग एन एक्सपेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज डेबिटेड। एक्स एंड वाई क्रेडिट इसलिए हुए हैं बिकॉज दिस मनी विल नॉट बी टेकन होम, दे विल रादर कीप दिस मनी इन द बिजनेस इटसेल्फ, तो इनका सैक्रिफाइस बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स जर्नल एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल टू वाइज कैपिटल। द क्वेश्चन इज ये वैल्यू 30,000 कैसे आई। बच्चों आपने ट्रायल बैलेंस देखा होगा, 3 लाख कैपिटल था मिस्टर एक्स का, 10% ऑफ 3 लाख इज 30,000 एंड 10% ऑफ 2 लाख इज 20,000, 30 + 20 बच्चों मेक्स अप 50,000 रुपीज। नेक्स्ट क्लोजिंग एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों वैल्यू आपको नजर आ रही है 50,000, यहां पे टोटल आपने 50,000 देखा, वहीं से हमने इसको पुट कर लिया। देन बच्चों ड्रॉइंग्स पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जर्नल एंट्री इज एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बच्चों ड्रॉइंग्स की वैल्यू भी आप देख रहे थे 30,000 थी ट्रायल बैलेंस में, उसका 4% हमने कैलकुलेट किया, 30,000 4% मेक्स अप 1200 टोटल इज 2400। बच्चों इसका भी रूल वही है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो आपने ड्रॉइंग्स को क्रेडिट कर दिया, पार्टनर्स आर इंडेटेड दैट्स वाई हमने इनको डेबिट किया हुआ है। देन बच्चों क्लोजिंग एंट्री
जो जो एक्सपेंस आपने डेबिट किया था उसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट किया, इधर इट वॉज सैलरी डेबिटेड फर्स्ट नाउ क्रेडिटेड, कमीशन डेबिटेड फर्स्ट नाउ क्रेडिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड फर्स्ट नाउ क्रेडिटेड, बट हेयर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज क्रेडिटेड. सो बच्चों फॉर क्लोजिंग वील सिंपली डेबिट इट एंड द एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 2400 टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 2400. तो बच्चों दीज वर द कॉन्सेप्ट ऑफ जर्नल एंट्रीज. इट्स अ रिक्वेस्ट, आप इस क्वेश्चन को जर्नल एंट्रीज बना के अपनी कॉपी में कर लीजिए. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा हाउ टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट. स्टूडेंट्स आई रिपीट अगेन, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी टू इट हाउ टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट एंड देयर आफ्टर इन एंट्रीज को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में पोस्ट कैसे करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स.